बेस्ट हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी रिलीज हुई और चंडीगढ़। सर आपकी एक अभी वेब सीरीज आ रही है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? मेरी वेब सीरीज नहीं है, मैं कर रहा हूँ उसमें हॉटस्टार के लिए कुछ है, गुना नाम का प्रोजेक्ट हम कर रहा हूँ, अब कब आता है मालूम नहीं। ओके धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू फॉर टाइम। हाय, मैं मधु कंवर और बहुत ही अच्छी थी, तो ज़रूर आप लोग भी देखने आए इसको, जल्दी मैं कह रही है सो बहुत ब्यूटीफुल है, और आप लोग आए और उसको अपना प्यार दें, मुझे अच्छी लगी, थैंक यू। यस मैम, आपको ये पिक्चर कैसी लगी मैम? मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, विनाश का बहुत ही अच्छी हॉरर मूवी थी, और राकेश जी ने बहुत अच्छे से डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया इसको, और देखने में भी रोमांटिक था, मतलब कहीं पर भी ऐसा वो नहीं लगा कि बोर हो रहा है, और बहुत अच्छा लगा। और माधव जी का काम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड है तो मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगा, और वैसे ओवरऑल पिक्चर बहुत अच्छी थी, एंटरटेनमेंट थी, गाने भी बहुत सुपर थे, तो कहीं पर बोर ऐसा लगा नहीं, और बस। अभी एक आपकी वेब सीरीज आ रही है उसके बारे में? हाँ, अभी हमारी एक नई वेब सीरीज आ रही है जय सनातन सिनेमा प्रोडक्शन पे, जो कि जैसे नेटफ्लिक्स का ऐप आता है और बाकी हॉटस्टार रहता है ना, वैसे जय सनातन सिनेमा ऐप है जो कि आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें हम धार्मिक तरह के सीरियल बना रहे हैं, तो इसमें अभी नीम कुरुली बाबा जो नैनीताल में हैं उनके ऊपर ये सीरीज़ बन रही है, तो आप ये ऐप डाउनलोड करके ज़रूर उसमें, क्योंकि उसमें मैंने भी काम किया हुआ है, तो आप मेरा भी उसमें रोल देख सकते हैं, जितेंद्र जी का भी रोल देख सकते हैं, और नवनीत परियार है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और बाकी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो आपको आगे आगे एपिसोड देखने को मिलेंगे, और बहुत अच्छा धार्मिक सीरियल है, आप पूरे फैमिली के साथ उसको एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम। इट्स माइंड ब्लोइंग मूवी एंड आई एम पार्ट ऑफ दिस मूवी, इसमें मैंने पल्लवी का कैरेक्टर निभाया है, तो मेरा तो बीच में मर्डर हो जाता है, बाद में मैं अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती हूँ, लेकिन मूवी सुपर्ब एक्चुअली, माइंड ब्लोइंग, मैंने अभी देखी है, मैंने मूवी में शूट भी किया है, लेकिन अभी देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे माइंड में जहन में बैठ गई है कि ऐसी बॉलीवुड की मूवी कोई मैंने देखी नहीं अभी तक, तो स्टोरी सुपर्ब। मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि आप आओ, इंटरटेन करो, ऐसी मूवी आज तक आपने बॉलीवुड में देखी नहीं होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू रखा था, और सबके रिस्पांस बड़ा अच्छा रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है? बस यही रिस्पांस पब्लिक का मिलेगा, और हमारे जो इंडस्ट्री के लिए सारे लोग हैं जो हर फिल्म की तारीफ नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अलग अलग तरह की फिल्में बनती हैं, मैंने कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं बनाई, ये फिल्म 80s और 90s की टाइप की फिल्म है, जो वीराना में बंद दरवाज़ा, जहाँ पे एंटरटेनमेंट हुआ करता था, हॉरर हुआ करता था, ग्लैमर हुआ करता था, थोड़ा सा सस्पेंस हुआ करता था, थोड़ा सा आइटम सॉन्ग मसाला, तो वही पूरी एक पूरा इंग्रेडिएंट है, पूरा इंग्रेडिएंट मेरी कोशिश रही है जो मैंने अभी पूरी की, और सब लोगों ने सराहा और पसंद की, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात, अगर इंडस्ट्री वालों ने पसंद किए तो डेफिनेटली पब्लिक पसंद करेगी, और बस यही है कि बाकी पब्लिक बताएगी जिन्होंने फिल्म देखी है। हाँ सर, बहुत बढ़िया, आप बताइए सर। एंटरटेनमेंट से भरपूर, मनोरंजन के साथ, एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस, सब कुछ ऐसा लग कर भरा हुआ है, बहुत अच्छी फिल्म है, सस्पेंस भी अच्छा है, जैसे है पिछले मतलब कई 25 साल पुराने याद आए, जैसे नाम दरवाजा वगैरह, जो राम भरोसे वाली फिल्म हुई थी, राम से वाली की याद आ गई, और राकेश जी ने बहुत बढ़िया डायरेक्शन, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, म्यूजिक भी बहुत बढ़िया है, मैं चाहता हूँ कि इसका सेकंड पार्ट भी आए। बहुत अच्छी, 14 जून को हम रिलीज़ कर रहे हैं ये फिल्म, हम हमारे जितने भी मुसलमान भाई है हमारे देश की बाहर की, ईद के लिए मैंने ये फिल्म, बकरीद के लिए हमारे मुसलमान भाइयों के लिए और हिंदू भाइयों के लिए, क्योंकि सब मिलकर हिंदू और मुस्लिम मिलकर ईद में ये फिल्म मैं पब्लिक के सामने पेश कर रहा हूँ, बस ये फिल्म सब मुसलमान भाई मिलकर सपोर्ट कर रहे
मुझे राखी का भी इसमें आइटम सॉन्ग है, एजाज खान का आइटम सॉन्ग है, सब ने मिलकर एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है। फुल एंटरटेनमेंट डेफिनेटली मुझे लगता है कि सबको पसंद आएगी और ईद में ये फिल्म बम्पर डम्पर चल जाएगा। सुपर सुपर ईद मुबारक। चलो।